Hello everyone, welcome to Mother Classes YouTube channel. Today we will solve exercise 1.3 NCERT book class 7 question number 4. Write 5 pairs of integers in bracket a comma b bracket complete such that a divided by b is equal to minus 3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided इन ब्रैकेट माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री. तो हमें माइनस थ्री आंसर जिस आने वाले ऐसे फाइव पेयर्स ऑफ इंटेजर्स ढूंढने हैं. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू माइनस थ्री और वन सच पेयर क्या दी है, सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री. तो देखो ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू माइनस थ्री. तो हम करते हैं ए डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू इसका आंसर कितना आना चाहिए, माइनस थ्री. और क्वेश्चन में वन पेयर दी है 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाउ, 2 1 2 2 3 6 बट a माइनस है a प्लस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री. तो ऐसे कौन से फैक्टर से हमें माइनस थ्री आंसर मिलेगा, तो देखो 6 डिवाइड 2 मिलता है, फिर देखो 9 डिवाइड 3, 12 डिवाइड 4, 15 डिवाइड 5, 18 डिवाइड 6, 21 डिवाइड 7. इसका आंसर क्या आता है, इसका मतलब ये दोनों को डिवाइडेशन किया तो आंसर क्या आता है, 3. बट हमें क्या चाहिए, माइनस 3. तो 1 तो मिल गया माइनस 3, एक नंबर हमें माइनस लेना है. तो देखो माइनस 9 डिवाइड 3, तो इसका 3 1 3 3 3 9, बट a प्लस है a माइनस है तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 3 आंसर आएगा. वन पेयर मिल गई, सेकंड पेयर, थर्ड. देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं, 9 माइनस 9 प्लस 3 लिया, फिर प्लस 9 माइनस 3 लेने के बाद भी हमें आंसर माइनस 3 ही मिलने वाला है, 3 1 3 3 3 9. ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस 3. नेक्स्ट वन देखो, फोर्थ, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4 4 3 12, बट ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस आंसर क्या आएगा, माइनस. फिफ्थ वन देखो, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 1 5 5 3 15, ए माइनस है ए प्लस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस 3. और एक हम सॉल्व करते हैं, माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 1 6 6 3 18, बट ए माइनस ए प्लस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस 3. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.